वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन सेटिंग के बारे में। तो गाइस नोटिफिकेशन हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप चाहते हैं गाइस आपको नोटिफिकेशन सेटिंग सीखनी है, मतलब कि आपको किसी भी एक एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन नहीं आए तो बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। कैसे सब करते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए गाइस हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे गाइस आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है पूरा नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जिस पर हम क्लिक कर लेते हैं तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन की सेटिंग देखने को मिलती है। लॉक स्क्रीन पर गाइस आपको कुछ इस टाइप की नोटिफिकेशन देखने को मिलती होंगी, आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लियरली। फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आपको ऐसी देखने को मिलती होगी, ठीक है। और आपके भी जो बैजेस हैं वो आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, मतलब कि गाइस जो आपके ऐप के ऊपर एक बबल सा आता है गाइस वो ये वाली नोटिफिकेशन है, ठीक है। मतलब कि गाइस यहाँ पे आप देखेंगे आपके सारे ऐप सेलेक्ट होकर रखे हैं, आप चाहेंगे तो यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। और जिन जिन एप्लीकेशन को अगर आपको इनेबल करना है तो आप इनेबल कर सकते हैं। चलिए गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस ये तो हो गई आपकी नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऐप नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस यहाँ से आपके सारे ऐप्स आ जाते हैं। अगर गाइस आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अगर गैलरी से नोटिफिकेशन नहीं चाहिए या फिर गाइस आपको यहाँ पे मैंने जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यूट्यूब की नोटिफिकेशन मैंने बंद करके रखी है, अगर आप इसको इनेबल रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी। इसको ऑफ कर देंगे तो आपको यूट्यूब की नोटिफिकेशन ही आपको देखने को नहीं, मतलब फेसबुक है गाइस ये, फेसबुक की आपको नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, तो आपको फेसबुक की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। अब गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका कंट्रोल सेंट्रल स्टाइल, इसको आप पुराने से नया कर सकते हैं। जो गाइस आपका पुराना न्यू वर्जन ये वाला है और ओल्ड वर्जन गाइस आपका वो वाला है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप न्यू वाला ही रखें, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है गाइस। तो ये आपकी कुछ स्मार्ट सेटिंग्स आप बोल सकते हैं नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सेट पे हम क्लिक करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पे आपका एंड्रॉयड हो गया नोटिफिकेशन स्टाइल और ये आपका MIUI वाला स्टाइल हो गया। तो इनमें से आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, तो MIUI वाला आपको ज़्यादा कूल लगेगा। बाकी गाइस यहाँ से आपका जो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आप इनको भी यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, सिंपल सा ऑफ कर दो, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो गाइस आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये नोटिफिकेशन कैसे काम करते हैं। तो गाइस बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टेटस बार पर आपको क्लिक करना है। स्टेटस बार पे आप गाइस देखेंगे तो यहाँ पे आपको आइकॉन दिख रहा है ना नोटिफिकेशन के, इनको आप ऑफ कर देंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपकी यहाँ से गायब हो जाती है। इनेबल कर देंगे तो दिख जाएंगी, ठीक है। सो कनेक्शन स्पीड, आपको इंटरनेट की स्पीड शो करानी है आपको वो भी शो हो जाएगी यहाँ से। तो गाइस ये आपकी कुछ नोटिफिकेशंस रहती हैं। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ गाइस आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।